ये 1.25 किलो के करीब चिकन है। अब इसमें हम पहले नाइफ की मदद से कट लगाएंगे। एक, दो, तीन और चार, हमने दोनों साइड चार कट लगाए हैं। इसके पैर पे दो कट लगाएंगे। नमक 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, नींबू का रस 1 नींबू, इसे हम मिलाएंगे सारी चीजों को। काफी अच्छे से इसे मिक्स करेंगे ताकि ये मसालों को इसके हर कोने में लगाएंगे, हर जगह पे, कि मसाला हर जगह लग जाए। कि ये जो भाग है इसका, यहाँ भी मसाले को लगाएंगे और कोट करेंगे इसको। इसे अब 30 मिनट के लिए ढक के छोड़ेंगे। ये अभी पहला मैरिनेशन है, इसे हम 30 मिनट के लिए ढक के छोड़ेंगे। आइए, जब तक चिकन हो रहा है तब तक इसके मसाले हम तैयार करते हैं। अब हमने गैस को पैन को रखा है और इसमें डालेंगे सरसों का तेल और इसे फुल फ्लेम पे पहले इसे गरम करेंगे। देखिए, तेल बिल्कुल गरम हो चुका है, काफी हीट हो चुका है। इसे अब हम बंद कर देंगे। इसमें लाल मिर्च 1 बड़ी चम्मच डालेंगे। अब 30 मिनट हो चुके हैं। देखिए, ये काफी अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। इसका पानी जो, ये देखिए पानी है, इसे हम हटा देंगे। देखिए, इसका पानी हमने निकाल लिया है। ये हमने मस्टर्ड ऑयल और लाल मिर्च का ये तेल तैयार किया था, इसे हम डाल, फूड कलर का काम करता है, इसे कलर काफी अच्छा आता है और टेस्ट भी काफी अच्छा आता है। ये दही है, ये 1 कटोरी दही है, इसे भी हम डालेंगे। अदरक लहसुन का ये हमने पेस्ट तैयार किया है, इसे हम डालेंगे बड़ी 1 चम्मच। हल्दी पाउडर, नमक 1 चम्मच, हमने पहले भी डाला था, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डालिए इसमें। 1 नींबू का रस, कसूरी मेथी 1 चम्मच, ये चाट मसाला है 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, बेसन को भून लिया था उसे हम डालेंगे 1 चम्मच। अब इसे हम काफी अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके अंदर का पोर्शन है, इसमें भी मसाले हम डालेंगे। इस तरह तरीके से हर एक जगह पे लगा दिया है। अब चलेंगे गैस की तरफ और इसे हम बनाएंगे कढ़ाई में। हमने गैस पे कढ़ाई को रखा है, अब इसमें डालेंगे सरसों के तेल 4 चम्मच। तेल इतना ही डालेंगे जिसमें ये अच्छे से पक जाए। तेल को पहले फुल फ्लेम पे गरम करेंगे और फिर इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे
इसे पकाएंगे। ये पकने में करीबन 20 से 30 मिनट लेगा। हमने इसे दोबारा मैरिनेट किया है। इसे अगर आपके पास टाइम हो तो करीब 1 घंटा छोड़ दीजिए, और नहीं तो आप तुरंत भी इसे बना सकते हैं। हर जगह तेल को इस तरीके से आप फैला दें, और फिर इसमें हम देखिए इस मीडियम टू लो फ्लेम पे ही ढक के पकाएं। कढ़ाई में भी काफी अच्छे से बन जाता है।